राइट, तो ये ब्रेक पैड हमारे जो थे चेंज हो चुके हैं। और ये आप एग्जॉस्ट की अभी आदत डाल दो, क्योंकि कंपैरिजन वीडियो में दूसरा भी सुनाऊंगा। ऑलराइट फैमिली, वेलकम माय चैनल। मेरा नाम है कार्तिक विशाल और आप देख रहे हो कार्तिक कॉस्ट। तो स्वागत है एक न्यू यूट्यूब वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं, इस बाइक का ब्रेक पैड इशू हो गया। ये जो ब्रेक पैड की ये लंकी वाला बोल्ट है ना, ये मिस हो गया, तो ये खुल ही नहीं रहा है। और हमारे ये प्लेट घिसे, उससे पहले आज हम इसको चेंज करेंगे। स्टॉक ब्रेक पैड 10,000 किलोमीटर चल गए हैं भाई। ब्रेक पैड हमारे पास रखा है, बट उसको चेंज कराना है। और देखते हैं, हमारा नया एग्जॉस्ट सिस्टम लेने का भी प्लान है और कई सारी बातें हैं। तो चलो इस व्लॉग में बने रहो, काफ़ी मज़ा आने वाला है। ऑलराइट, तो अभी जो स्टॉक एग्जॉस्ट स्टॉक मतलब अभी जो हमारे में SC1R लगा हुआ है, हम सोचे थोड़ा इसको लाउड करते हैं। अभी इसका आप वो सुनो, वॉइस स्टार्ट। भाई अभी हमने माइक का प्लेसमेंट भी अच्छे से कर दिया है, ताकि आवाज़ देखते हैं कि इस रोड के माइक कितना अच्छा काबिल है। एग्जॉस्ट नोट को भी पिच उठाएगा, प्लस हम जो हमारे वोकल्स हैं, हम तेज भी बोलते हैं तो उसको कम रखेगा। बाकी ये एग्जॉस्ट तो परफेक्ट स्मूथ है। जाम तो हर जगह है। क्या ही बोले, भाई की गाड़ी पंचर हो गई, दुख दर्द पीड़ा समस्या, और पता नहीं ऐसा हर 5 मिनट मुड़ती हो। तो गाइस अभी हम एयरपोर्ट के पास से गुजर रहे हैं, और जब जब मैं यहाँ आया हूँ भाई, ऊपर से प्लेन गया है। देखते हैं आज जाता है कि नहीं। हे भगवान, आज मैं बोल रहा हूँ सबके सामने और दिख क्यों नहीं रहा प्लेन। थोड़ा स्लो चलूँ। धप्पी भाम, ऑटो वाला कांच खोल के बाहर। गाइस, तो आप लोग को ऑडियो कैसा आ रहा है? इस पर माइक की प्लेसिंग अभी अलग जगह है, शायद मुझे थोड़ा धीरे बोलना पड़े, पर एग्जॉस्ट नोट अच्छे से कैच कर पा रहा है कि नहीं। और ये आप एग्जॉस्ट की अभी आदत डाल दो, क्योंकि कंपैरिजन वीडियो में दूसरा भी सुनाऊंगा। और एक तो अभी कावासाकी वेस्ट दिल्ली आ चुके हैं नारायणा, और यहाँ पे आके भाई दिखा दिया हमारा जो प्रॉब्लम था, ब्रेक पैड इंस्टॉल करवाना था, तो वो इंस्टॉल करते हैं, फिर यहाँ से चलते हैं। और कनिष्क भाई से भी हमको मिलना है, उनसे भी काफी सारी चीजें बातें करनी है। और ब्रेक पैड भी जो थे, मैं अभी EBC और स्टॉक निसन के ब्रेक पैड में ही कंफ्यूज हो रहा हूँ, बाकी कॉल करके देखता हूँ। अभी मेरे पास क्रैंक वन आया हुआ है ब्रांड की तरफ से, तो उसको टेस्ट करता हूँ। बाकी उसकी क्वालिटी है नहीं अच्छी, क्योंकि ऑफ कोर्स निसिन के जो हैं ब्रेक पैड वो ही कॉस्ट करते हैं फ्रंट के 12,000 के, और ये आपको देखने को मिल रहा है 2,000 रुपये में, तो सीधे 10,000 का डिफरेंस है। मतलब पता नहीं ब्रेक इफिशियंसी रहेगी या क्वालिटी रहेगी कि नहीं। फिर भी अभी हम डालें ताकि रोटर ना खराब हो, और बाकी ऑर्डर करते हैं। नहीं तो अगर EBC ब्रेक्स या निसिन वालों से हमारा कोलैबोरेशन नहीं हुआ, तो आके खरीद के लगा देंगे। भाई क्या भाई, सब बढ़िया भाई। तो ये थे हमारे ब्रेक पैड्स, जो कि पूरे ही ख़त्म हो गए, आखिरी तक यूज कर चुका हूँ इसको। वाह यार। सही भैया, तो हमारा सारा काम कर देते हैं। अब वो डैमेज भी करने लगी थी ना पुराने ब्रेक पैड डिस्क को, खत्म ही हो गया। तो ये ब्रेक पैड हमारे जो थे ये चेंज हो चुके हैं, और टोटल एस्टिमेट कॉस्ट आ रहा है। तो भाई बिल हमारे पास आ चुका है, तो सिर्फ 750 रुपये लगे हैं लेबर चार्ज ब्रेक पैड चेंज करने की, और 300 रुपये जो पेन हमारा जो एलेंकी का बोल्ट था ना, जो खुल नहीं रहा था, तो वो चेंज करने का 300 रुपये, मतलब वो पार्ट्स लगाने का 350 रुपये, 700 रुपये, 1,000 रुपये का हमारा वहाँ बिल बन चुका है। अब वहाँ से हम चल रहे थे सीधे कनिष्क भाई के पास, क्यों? क्योंकि हमारे पास सामान उनके पास पड़ा हुआ था, कॉर्ड लॉक उनके एड्रेस पर मैंने मंगाया था, तो अब जाके उनके पास आया। और हम अपना लेटेस्ट 14 Pro Max में इंस्टॉल कर चुके हैं। ये है हमारा मैक सेफ वाला चार्जर भी है, ऐसे लग भी जाता है और मैक सेफ चार्ज भी होता है। तो भाई बहुत ही अच्छी क्वालिटी रहती है यार कॉर्ड लॉक की। मेन तो यही रहा कि भाई कैमरा बचा देता है आपका, क्योंकि अगर आप हैंडल माउंट में लगाते हो ना, तो ऐसा मोबाइल जर्क करता है, सबसे पहले एप्पल का कैमरा ही ख़राब होता है, और कैमरा फिर भूल जाओ 14 प्रो मैक्स कितने का बनेगा, इसलिए कॉर्ड लॉक ज़रूरी था, तो कॉर्ड लॉक हमने लगा दिया है। अब चलो चलते लेडीज एंड बहन,
तो हमारा जो ब्रेक पैड चेंज हो गया है, हमारा नहीं, हमारी जीनोसो का। तो ये काम तो अभी ठीक ठाक कर रहा है, क्रैंक वन 1000 रुपये के हिसाब से, पर इसका ज़्यादा पंच नहीं है जैसा निसन का है। और अभी इसको वैसे हाईवे में थोड़ा स्पीड में चेक करेंगे ब्रेकिंग इसकी, तब बता पाएंगे। फिलहाल अभी निकल गए यहाँ से और जा रहे हैं हम एक बेहतरीन जगह। नहीं लगता ब्रेक इसके अच्छे से। पूरा दबा दिया था मैंने, धीरे धीरे पंच आएगा गाइस। तो देखो 2000 रुपये के हिसाब से ब्रेक ठीक है, लेकिन ब्रेकिंग के हिसाब से ब्रेक ठीक नहीं है एज अ स्टॉक। तो अभी तो मैं इसको चलाऊंगा, मतलब ऐसा नहीं है, थोड़ा और ज़्यादा मेहनत लग रही है और ज़्यादा पुश करना पड़ रहा है हार्ड ब्रेक पे। और तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये ज़्यादा किलोमीटर्स नहीं चल पाएगा। जो स्टॉक मेरा 7-8 हज़ार चल चुका है, ये मुश्किल से 2000 किलोमीटर में बहुत सो जाएगा ये। तो इसीलिए अगर आपके पास, मतलब इसको ऐसा बैकअप के लिए आप रख सकते हो क्रैंक वन को, बाकी आप स्पोर्ट्स बाइक में इसे यूज़ ना करें। मैं भी फटाफट BBC या निसन के ही मंगवाता हूँ। निसन के एज अ स्टॉक 12,500 के हैं ब्रेक पैड्स। अगर आप सर्विस पे ब्रेक पैड भी चेंज कराओगे तो आपको 12,000 प्लस 16,000, ये वही 28,000 रुपये, 28 + 6 = 35,000 की एक सर्विस पड़ेगी। हर 6 महीने में आपके 35,000 जाने वाले हैं।